आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? उन्होंने सबसे पहले पाई पी की कीमत निश्चित की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन साइन के कोष्टक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ग्रंथ की खोज किसने की थी? इस ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट प्रथम 476-550 ने की थी। यह संस्कृत भाषा में आर्य छंद में काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोलशास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक और भाषा बहुत ही संक्षिप्त तथा मंजी हुई है। किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे स्कूटांकश कहते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण क्या है? वैदिक गणित जगद्गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा सन 1965 में विरचित एक पुस्तक है जिसमें अंकगणितीय गणना की वैकल्पिक एवं संक्षिप्त विधियां दी गई हैं। वैदिक गणित गणना की ऐसी पद्धति है जिससे जटिल अंकगणितीय गणनाएं अत्यंत ही सरल सहज व त्वरित संभव है। स्वामी जी ने इसका प्रणयन 20वीं सदी के आरंभिक दिनों में किया। गिनती कितने तक होती है? गणितज्ञों के अनुसार हिंदी नंबर्स यानी गिनती को गणना किया जा सकता है जो अनंत तक होती है, इसलिए इसे मैथ्स के सबसे महत्वपूर्ण संख्या प्रणालियों में से एक मान। शून्य का आविष्कार कब हुआ और किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? और साथ में यह भी कहा जाता है कि इस शून्य का उल्लेख सर्वप्रथम लोक विभाग नामक ग्रंथ में मिलता है जिसकी रचना मूल रूप से प्राकृत में सर्वानंदी नामक दिगंबर जैन साधु ने की थी। इस पुस्तक में दशमलव संख्या प्रणाली का भी उल्लेख यहाँ किया गया है और इसका उल्लेख भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 498। शून्य का आविष्कार कब हुआ और किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है? 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया जो कि संख्याओं के नीचे दिए गए एक डॉट के रूप में था। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को शून्य एक लिखा जा सकता है। हाँ, सभी भिन्न परिमेय संख्या है क्योंकि भिन्न पी क्यू के रूप में होते हैं जहां क्यू जीरो क्यू शून्य होता है। आर्यभट्ट की मृत्यु कब हुई? 550 ईस्वी। आर्यभट्ट कब पैदा हुए थे? 476 ईस्वी। घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं? टाइम बताने के लिए सभी को एक साथ रखें। जैसे ही आपको दोनों नंबर मिल जाते हैं फिर आप टाइम बता सकेंगे। अगर घड़ी के ऊपर 2:11 दिया है तो इसका मतलब कि टाइम 2:11 हो गए हैं। एम और पीएम के बीच में अंतर करना सीखें। कुछ डिजिटल घड़ी में घड़ी पर ही कहीं पर एम या पीएम लिखा होगा। घड़ी कब बनी थी? ऐसे बनी पहली घड़ी सन 996 में पोप सिल्वेस्टर सेकंड ने बनाई थी। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा। इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में सन 1288 में तथा सेंट अल्बास में सन 1326 में घड़ियां लगाई गई थी। सबसे पहले घड़ी का आविष्कार कब हुआ? घड़ी 1505-1505 का पीएचएन 1505 या पोमंदर वॉच दुनिया की पहली घड़ी है। इस घड़ी के आविष्कारक जर्मन नूर्नबर्ग के ताला बनाने वाले और घड़ीसाज पीटर हैनलिन द्वारा वर्ष 1505 के दौरान उत्तरी पुनर्जागरण के हिस्से के रूप में शुरुआती जर्मन पुनर्जागरण काल हुआ। यह दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी है। जो अब जल घड़ी का आविष्कार कब हुआ? 2500 साल पहले पानी से चलती थी घड़ियां। हम सभी जानते हैं कि घड़ी के आविष्कार से पहले धूप और आवरग्लास जैसी चीजों से समय का पता लगाया जाता था।
लेकिन इससे भी स्पष्ट समय का पता नहीं चलता। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो करीब 2500 साल पहले प्राचीन यूनान के लोग पानी से चलने वाली अलार्म वाली घड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 2 जून 1875 में किया था। टेलीफोन के आविष्कार में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने थॉमस वॉटसन की सहायता ली थी। खेल ही जीवन है, यह किसका कथन है? जॉन डेवी का सिद्धांत खेल ही जीवन है शैक्षणिक दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से संबंधित है। गणित का कृषि से क्या संबंध है? कृषि का गणित व्यवस्था ऐसी हो कि बाजार में किसानों को उपज के अच्छे दाम मिले ताकि परिवार का सही पालन पोषण हो। भारत की खोज किसने किया था और कब किया था? यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। भारत में सबसे पहले कौन आया था? भारत पहुंचने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे, इसके बाद डच आए और डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां लड़ी। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। वास्को डी गामा कौन था? वह भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? वास्को डी गामा 1498 में भारत के गोवा के कालीकट में आया था, जहां उसका स्वागत जमोरिन नाम के एक राजा ने किया था। वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। वास्को डी गामा भारत के कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। भारत का खोज कितना ईस्वी में हुआ था? भारत की खोज वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को किया था। भारत की खोज कितने सन में हुई थी? भारत की खोज समुद्री यात्री वास्को डी गामा ने की थी। यह एक समुद्री यात्री था। यह 20 मई 1498 को यूरोप से भारत में मसाले का व्यापार करने के लिए भारत आया था, जो सबसे पहले भारत के कालीकट बंदरगाह कालीकट पोर्ट पर पहुंचा था। गणित के क्षेत्र में आखिरी सबसे बड़ा नाम किसका था? श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन जब अंग्रेजी विषय में फेल हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गणित सीखा और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने गणित की 120 थ्योरम्स दी, जिनके लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्हें निमंत्रण मिला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जीरो सम गेम का क्या आशय है? खेल सिद्धांत और अर्थशास्त्र में शून्य संचय खेल जीरो सम गेम या शून्य जोड़ खेल ऐसी व्यवहारिक परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति को जितना लाभ होता है ठीक उतनी ही हानि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को होती है। पाई की खोज किसने की और कब? पाई के सिद्धांत की खोज महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया, जब सारी दुनिया केवल 9 तक गिनती जानती थी। लाभ का आधुनिक सिद्धांत क्या है? एक्सप्लेनेशन, जैसे उत्पादन के अन्य कारकों का इनाम संबंधित मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसी तरह एक उद्यमी की मांग और आपूर्ति से लाभ निर्धारित होता है। जिस बिंदु पर मांग वक्र एक उद्यमी के आपूर्ति वक्र को काटता है, वह लाभ निर्धारित किया जाएगा।
खेल परीक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या है, पहचान कर उनकी जरूरतों, प्रशिक्षण को उस खेल व्यक्ति की क्षमताओं में पहचाने गए अंतराल में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। खेल प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसी भी खेल प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को सक्षम करने पर उसका ध्यान केंद्रित है। मैथ के फादर कौन है? आर्किमिडीज। इसवी सदी पूर्व 287। गणितज्ञ और गणित के जनक, भौतिक विज्ञानी, खगोल विज्ञानी इत्यादि। हानि सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। होम सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है।